नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से घाटी से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी, और जिस तरह से आप जानते कुछ दिन पहले राहुल भट्ट की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, ऐसी ऑफिस के अंदर जाकर उसके बाद भी लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला, उससे पहले भी कई मासूमों की जान ली गई, कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए यहां पर आज ये नाराबाजी करो। और बहुत बड़ा सवाल या निशान है, आखिर क्यों नहीं अभी तक कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया की गई, ये बड़ा सवाल रहेगा। नहीं झुकेंगे, अब की बारी नहीं झुकेंगे। लगातार ये लोग इस समय हरि सिंह जी स्टैचू जी के पास, महाराजा हरि सिंह जी स्टैचू के पास यहाँ पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ तौर पर जोरदार पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं कि देश के हिंदू बलि का बकरा नहीं पड़ेगा। और पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लाईज जिनको नौकरियां दी गई उन्हें वापिस लाओ। और आज के दौर में लगातार जुई राहुल भट्ट की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसके बाद एकदम से जनसैलाब उमड़ा, हर तरह से आवाजें आ रही थी कि अब और नहीं अत्याचार साझा, और अब मासूमों की जाने नहीं जाएंगी, और आखिर क्यों इस समय फेल है इन्हें कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो कि सुरक्षा देने में। और इस समय आप देख रहे हैं जोर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि मायूसी है साफ तौर पर, एक निराशा नजर आ रही कश्मीरी पंडितों के चेहरों पर कि अब और नहीं, आखिर कब तक मासूमों की जाने जाती रही। और आप देखा किस तरह से लगातार अब रोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। अजय जी तेरी शहादत से, सुखेंदर जी तेरी शहादत से, सुखेंदर जी तेरी शहादत से, अमल बिंद्रु साहब तेरी शहादत से, अमल बिंद्रु साहब तेरी शहादत से, सुखेंदर जी तेरी शहादत से। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं किस कदर मासूमों की जाने ली जा रही है, किस कदर सर क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर प्रदर्शन करें, जोरदार प्रदर्शन करें, और कहीं ना कहीं कोस भी रहे और विफल है सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करने में कश्मीरी पंडितों, क्या कहेंगे? ये मेरे स्पोक्स पर्सन है, ये आपको इस बात का ये इसका जवाब देंगे। आपसे पहले भी हमने बताया है कि हम पिछले 14 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज के लिए, उनकी जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड्स है। हम चाहते हैं सरकार वो फौरी से फौरी उन डिमांडों को माने और उन डिमांडों का हल करे। कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। देखिए ऐसा है, कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट जो है ये एक नया फ्रंट एक बन गया है, यूनिटी 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 के नाम पे जो हम कह रहे थे, जो बिखेरा गया था ये कश्मीरी पंडित, इसका इसमें जो कंट्रीब्यूट किया है वो सरकारों ने भी वक्तन फवक्तन किया है। अभी जो हमारा अभी इश्यू है वो ये है कि कश्मीर में जो इस समय राहुल भट्ट की जो त्रासदी हो गई है, ये एक ऐसी त्रासदी है, अब कश्मीरी पंडित जाग गया है। हमारा ये मानना है जब तक जितने भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज कश्मीर में है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत और अदर्स जो भी है उनके बगैर भी जो वहां पे है, जब तक उनको जम्मू वापस नहीं लाएंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। और मैं एक बात इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारा ये काम चल रहा है पिछले 15 दिन से, तमाम कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारी इस ये जो प्लेट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म बना है, इसको समर्थन दे चले गए। चलो शुक्र है परमात्मा के 10-15 दिन के बाद चले गए वहाँ पे, लेकिन हमें लग रहा है जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, हम इनका डेट जो है हमारा, ये हमारा सिंबॉलिक प्रदर्शन हमने किया है, हम कुछ देर के बाद शाम को एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला ले लेगी, हम दोबारा मीटिंग करेंगे दुर्गानगर में, और जहां पे वो फैसला होगा वही हतमी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से साफ तौर पर कहा कि मायूसी है, पिछले लगातार 14 दिन से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी मांग यही, जितने भी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जिनको नौकरियां या दूसरी माइनॉरिटी लोग हैं उनको जब तक संरक्षण नहीं दिया जाएगा या उनको वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक जो
कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तरह एक फ्रंट बनाएगा, वो लगातार इसी तरह प्रदर्शन करता रहेगा, क्योंकि आज मायूसी राहुल भट्ट की हत्या ने जागरूक कर दिया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को और भी लोगों का समर्थन मिल रहा है कि आखिर कब तक इस तरह से जानों जो खून की होली खेली जाए, बेकसूरों की जान ली जाएगी, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, लगातार किलिंग का सिलसिला जारी है, तो कहीं ना कहीं डर और परेशानी का सबब भी जायज है। उसी के चलते इनको साफ तौर पर कहना है कि अब रुकने वाले नहीं है। आज फ्रंट के माध्यम से साफ तौर पर कहते हैं कि गवर्नर साहब तो आए थे मिलने, वो भी 15 दिन के बाद, पर अब जो भी आएगा हम नकारेंगे उस चीज को जब तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा या माना नहीं जाएगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।